राजस्थान से गृह विभाग द्वारा आदेश जारी किया गया। राजस्थान से गुजरात के बॉर्डर 7 दिन के लिए सील किए गए। ज्ञाम नेशनल न्यूज की टीम बनासकांठा जिले के गुंदरी बॉर्डर पर पहुंची, जहां बड़ी संख्या में पुलिस के कर्मचारी मौजूद हैं। राजस्थान और गुजरात की बॉर्डर पूरी तरह से सील किए गए हैं। गुजरात से यूपी के बॉर्डर भी सील करने के आदेश जारी कर दिए गए हैं। कोरोना पॉजिटिव केस बढ़ने पर गृह विभाग द्वारा बॉर्डर सील करने का आदेश दिया गया है। गृह विभाग के आदेशों के बाद टोल नाकों पर और बॉर्डर पर भारी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया। मेडिकल और आवश्यक चीजों के लिए और पास सेवाओं के अन्य लोगों की अवर जवर पर प्रतिबंध लगाया गया है। राजस्थान में बढ़ते कोरोना पॉजिटिव केस को देखते हुए बॉर्डर पर नाकाबंदी कर दी गई है। अभी गृह विभाग द्वारा 7 दिन के लिए बॉर्डर सील करने के आदेश दिए गए हैं। राजस्थान से गुजरात बॉर्डर सील होते ही वाहनों की लगी लंबी लाइनें लगी हुई हैं। बनासकांठा जिले के गुंदरी बॉर्डर पर बिना परमिशन वाहनों को वापस भेजा जा रहा है। ज्ञाम नेशनल न्यूज की टीम बनासकांठा जिले के गुंदरी बॉर्डर पर पहुंची, तब पास इशू किए गए माल वाहनों को ही प्रवेश दिया जा रहा है। यहां पर गुजरात पुलिस द्वारा सतत पेट्रोलिंग की जा रही है। यहां पर गृह विभाग के निर्देशानुसार पुलिस विभाग द्वारा सराहनीय कामगिरी हो रही है। दिन 7 के लिए तारीख 10 से ये गुंदरी बॉर्डर सील हो गई है, राजस्थान बॉर्डर सील हो गई है। गृह मंत्रालय के आदेश से इनका पालन कर रहे हैं। तो सर यहाँ पे किस तरह का पुलिस स्टाफ डिपार्टमेंट यहाँ पे मौजूद है? हम यहाँ बनासकांठा पुलिस से है और हमारे साहब के आदेश से, जो ऊपर से गृह मंत्रालय का आदेश है, इनके अनुसार हम काम करते हैं। तो सर यहाँ पे कौन से वाहन व्यवहार को अवर जवर को जाने दे रहे हैं? जो अपने सरकारी या राज्य कक्षा के जो भी ड्यूटी में है उनके, और जो जिसके पास सरकार का वो परमिट है, और जो दवा खाने के लिए जा रहे हैं मेडिकल के लिए, और जो आवश्यक सेवाएं है उन सभी के लिए छूट है, और जिनके पास परमिट है वो जा सकता है, परमिट नहीं है उनको नहीं जाने देते। गुजरात के संवाददाता पारस मोदी की रिपोर्ट।